से नालिया ना आपके नरेश कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड हाँ, यहाँ से मैं न्यू ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आपको जो भी मेरा वीडियोस जितना भी दिखेगा ना, अभी 4 to 5 days का, वो आपको एक साथ ही दिखेगा। इसलिए मैं आपको एक इन्फॉर्म करना चाह रही थी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि एक ही दिन में इतना सारा काम कर रही है। तो अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। ये आपको थोड़ा बाद में ये क्लिप्स दिखेगा जो मैं अभी यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, बिकॉज अभी हम लोग यहाँ से मार्केट निकल रहे हैं और ये शायद मेरा लास्ट डे रहेगा मार्केट का। हम लोग का हो सकता है लास्ट ही मार्केट जाएंगे, लास्ट मार्केट है। हाँ। साथ में मैं तो इधर ही होंगी। हाँ। लेकिन तुम्हारा साथ में लास्ट है। हाँ। हो सकता है रिजल्ट में आके फिर लेना पड़े, जाना पड़े मार्केट। घूम तो पूरा ही सिलीगुड़ी घूम चुके हैं हम लोग, अभी घूमने को कुछ बाकी नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तब मिलेंगे। फिर सब कोई बहुत मिस करेगा, ये देख पाओगे, लेकिन मेरे व्लॉग में देख लेना। हाँ। अस्तलामा है। हाँ। उसमें देख लेना मेरे को। हाँ। भैया से लगवा रहा है इधर, आप लोग भी इधर आ। और मैं आ चुकी हूँ रॉन्गटॉन्ग, दार्जिलिंग के रास्ते में ही आता है। एंड यहाँ आने का मेरा बहुत दिनों से सपना था, आ नहीं पा रही थी, बट आज ड्राइव करके आने का मौका लगा तो आज ड्राइव करके आई। मैं रोक जाऊँ और मैं थोड़ा सा क्लिप लेना भूल गई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था अचानक से बाहर निकलने की। और सिलीगुड़ी टू अररिया आ गई, एक ही दिन के लिए आई हूँ मगर आ गई। मुझे तसल्ली हुआ, मुझे सुकून मिल रहा है। देखो बुगू क्या कर रहे हो, बुगू ए बुगा क्या कर रहे हो बेटी। हाँ और आप लोगों को जैसे पता होगा कि मैं अररिया में ही हूँ, तो एक दिन के लिए आई थी, बट यहाँ पे आने के बाद तो एक से चार पाँच दिन इतना ही होता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने खाने, बिकॉज बहुत दिन हो गया है, दीदा लोग भी कहीं बाहर नहीं निकली है। एंड मिल के जा रहे हैं और ये मेरा बुगू है। और कैमरा ऑन, इसका ना टंकी ऑन, फिर ये कैमरा के आगे आता नहीं है। फ्रेंड्स क्या कर सकती हूँ मैं, कोशिश माइंड फ्री ना हुआ, पता है दूर छुट्टी में कुछ नोटबुक और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मेरे ढाबा। खटिए उठी लो, अभी बिहार में बहुत अच्छा अच्छा ढाबा खुल गया, लेकिन यहाँ पानी की वजह से, ये पार्क था बट ये पार्क में पानी भर गया है। और इस ढाबा का नाम है बीरेदर ढाबा। और एक बरार भी है, बरार ज़्यादा अच्छा था, अब यहाँ का पता नहीं कैसा है खाना। इधर गेम जोन भी आपको देखने मिल जाएगा, ये खाने के लिए है। ये डालो डालो, और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। खाना कैसा लगा फ्रेंड्स? खाना बहुत अच्छा था, आप लोग भी एक बार ज़रूर विज़िट करो। ये पूर्णिया रोड में है और इस ढाबा का नाम है बीरेदर ढाबा। सो नहीं हो रहा है, अगर पूर्णिया कभी आते हो या जो भी पूर्णिया के हो तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करो। सारा फैसिलिटी, अभी पार्क में पानी भरा हुआ है बट पार्क बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है। Boy, boy, oh yeah, I'm the catch to be my boy, 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 oh.
अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज मुझे रूम को थोड़ा आप लोग देख सकते हो पूरा सामान पैक हो गया है बिकॉज धीरे धीरे मुझे पैक करना था, कल निकलना है मुझे इसी वजह से। एंड सिलीगुड़ी का सफ़र बहुत अच्छा रहा, जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मुझे जाना है ड्राइविंग स्कूल। हाँ मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, मैं पहले से थोड़ा बहुत जानती थी बट एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो नहीं आ पाया था। और मेरे गांव सर्कल में जो ड्राइवर लोग हैं वो ना मुझे प्रॉपर ना टाइम दे पा रहे थे और ना अच्छे से हो पा रहा था, तो मैं सोची कि इधर ही मैं सीख लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे जस्ट नियर बाय मतलब जो मेरे रूम के जस्ट बगल में एक भैया रहता है उन्हीं का ड्राइविंग स्कूल है तो वही मुझे सिखा रहे हैं। एंड आप लोगों को किसी को भी सीखना हो सिलीगुड़ी वाले लोग मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह देख रहे हैं तो आप लोग भी आके सीख सकते हो, मैं उनका वीडियो डाल दूँगी। ये दागापुर में है ठीक है, और इसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट करोगे मैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दूँगी। तो चलो अब मैं लेट हो रही हूँ और ये मैं गर्म पानी पी रही थी बिकॉज मॉर्निंग ड्रिंक मैं पीती हूँ, बट अभी सामान सारा पैक करना था, मैं सब कुछ पैक कर चुकी हूँ इसीलिए अभी मैं बस नॉर्मल गर्म पानी पी रही हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ अब आगे। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ तीन दरिया ना ब्रेक तीन दरिया, अब मैं ड्राइव करके इतना ऊपर आ गई मुझे बिलीव नहीं हो रहा फ्रेंड्स। देखो गाइस आप लोग एक बार जरूर विजिट करो अगर दार्जिलिंग जा रहे हो तो, उसी रूट में आता है ये तगड़ा। ठीक है भैया इधर चलेगा इधर, गाइस जज मेरे सही बोलते हैं कि माउंटेन माउंटेन होता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आई हूँ मगर खतरनाक है ना गाइस। आपको मेरे पीछे व्यू दिख रहा होगा, बहुत अमेजिंग व्यू है और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हमारे लोकल में है और मैं इतना दूर ड्राइव करके चली आई, मुझे नहीं पता था, बहुत डर लगा है रास्ते में इसलिए वीडियो मेरा ड्राइविंग का सूट नहीं हो पाया है। बिकॉज़ जो भैया मुझे सिखाते हैं वो भैया को मेरे ऊपर प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है ना, बिकॉज़ हिल्स में तो आदत नहीं होता है ना, हमारा प्लेन का आदत है। और ये मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे बंद कर रही हूँ फ्रेंड्स, कॉज बहुत लंबा चला गया है, 3-4 दिन का मिक्सिंग हो गया है। तो अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।